हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की आंखों में काजल लगाना कितना सही है और कितना गलत। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। शिशुओं को काजल लगाना पुराने रिवाजों में से एक है। सबका मानना है कि काजल लगाने से बच्चों को नजर नहीं लगेगी, इससे आंखें सुंदर लगती हैं। दादी नानी की बात करें तो काजल रामबाण औषधि है, लेकिन आज के टाइम में डॉक्टरों की माने तो ये बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में काजल लगाने के नुकसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। काजल लगाने से बच्चों की आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। बाजार में मिलने वाले काजल में सीसे की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों की आंखों के लिए हानिकारक है। बच्चों को काजल लगाने के बाद यदि वह अपनी आंखों को मलता है तो उसकी आंखों में जलन हो रही है, आप तुरंत उसकी आंखों से काजल पोंछ दें। काजल में अगर लेड की मात्रा अधिक हो तो ये शिशु के दिमाग के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। रोज बच्चों की आंखों में काजल लगाने से काजल आंखों में जमने लगता है, जिससे धुंधला दिखाई देने लगता है, एलर्जी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप शिशु की आंख में काजल लगाना ही चाहते हैं, तो घर के बने काजल का प्रयोग करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अच्छी तरह से हाथों को धोने के बाद ही बच्चों की आंखों में काजल को लगाएं। छोटे बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, रसायन युक्त काजल लगाने से त्वचा खराब हो सकती है। इसके अलावा उंगली से काजल लगाने पर उंगली या नाखून में मौजूद बैक्टीरिया आंखों में जाकर कई प्रकार का इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं, ये सिर्फ एक प्रकार का भ्रम है। काजल लगाने से नजर नहीं लगती, ये माँ का बच्चे के प्रति प्यार है और इस प्यार को जताने के लिए आप बच्चे की आंखों में काजल ना लगाकर कान के पीछे, माथे पर, हथेली पर या पंजे के नीचे काजल की बिंदी लगा दें। कोशिश करें कि बच्चों की आंखों में काजल ना लगाएं, ताकि आपके बच्चे को आंखों की परेशानी से जूझना ना पड़े। आशा है कि हमारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।